एनसीसी नामांकन, एनसीसी इनरोलमेंट डेट जो कि कॉलेज में अभी निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं इस साल 2022 में नामांकन लिया गया। तो चलिए हम लोग पूरा नोटिस पढ़ के देखते हैं ये कहाँ का है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑल इंडिया में एनसीसी की भर्ती यानी एनसीसी का न्यू एडमिशन स्कूल हो या फिर कॉलेज सब जगह शुरू हो गई है। तो आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्कूल से, आप अपने एनसीसी टीचर और अपने एनसीसी बटालियन से जल्दी से कांटेक्ट करें, नहीं तो फिर आप इस बार एनसीसी ज्वाइन करने से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग पूरा नोटिस पढ़ते हैं। इसमें तीन बातें कही गई है। वर्तमान वर्ष 2022 में मध्य विद्यालय के सभी इच्छुक छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो अपना नामांकन एनसीसी में कराना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ indianccc.nic.in जो एनसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो तो वे अपने महाविद्यालय के ANO/CTO से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ANO/CTO या आपके एनसीसी टीचर होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और केयर टेकर ऑफिसर फुल फॉर्म होते हैं जो आपके एनसीसी टीचर होते हैं, अथवा 5 बिहार बटालियन एनसीसी आरा के दूरभाष इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो लोग आरा से बिलोंग करते हैं स्पेशली आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं, ठीक है। बिहार में आरा का ये नोटिस है, तो जो लोग आरा से बिलोंग करते हैं आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। सेकेंड, बाकी आप कहीं से भी हो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, सारा नोटिस पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके जगह भी इसी तरह से होता है। 11वीं कक्षा या BA, BSc, BCom में जो छात्र छात्रा इस साल 2022 में नामांकन लिया है वही आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आवेदन न दे, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं एनसीसी भर्ती के लिए। और कौन अप्लाई कर सकते हैं, या तो जो लोग 11th में हो, 11th यानी 11वीं कक्षा, और BA, BSc, BCom जो छात्र इस साल नामांकन, मतलब BA पार्ट वन नॉट पार्ट टू और पार्ट थ्री, ठीक है, ये जहां का है। काफी जगह पे पार्ट टू में भी एडमिशन होता है ग्रेजुएशन में, तो टेंशन नहीं लेने का, आप जहां से भी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, किसी बिचौलिए के झांसे में ना आए, यानी बिचौलिए मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप पैसा दो मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो आप वैसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, पैसा किसी को ना दे, ठीक है। अपने दम पर तैयारी कीजिए, तेजस चैनल पर आपके रेगुलर क्लास चलती है, सारा कुछ आपको सेम क्वेश्चन बजाया जाता है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिजिकल की तैयारी कैसे करें सारा वीडियो अवेलेबल है, 2022 का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जैसे टेस्ट हुआ इस बार, तो आप लोग देख लीजिएगा और क्लास कंटिन्यू करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनसीसी में नामांकन मामूली शुल्क 20 से 25 रुपए पर शारीरिक क्षमता और लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। ध्यान दें, एनसीसी में एडमिशन के लिए आपका जो पैसा लगता है केवल 20 से 25 रुपए लगते हैं, ठीक है, और आपका फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होता है। तो फिजिकल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और रिटन की क्लास कंटिन्यू चलती है, तो आप लोग समय से क्लास कीजिएगा दोनों टाइम। आवेदन देने के बाद नामांकन की तिथि ANO/CTO अथवा 5 बिहार बटालियन एनसीसी आरा के कार्यालय 0 महिला से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने आवेदन जमा कर दिया तो आप किस डेट को आपकी भर्ती होगी आप वहां से पता कर सकते हैं, ठीक है, या तो अपने एनसीसी टीचर से या फिर एनसीसी बटालियन से। रिक्त स्थान SB कॉलेज सीनियर डिवीजन बॉयज ओनली 36। और ये किस कॉलेज का भर्ती है, तो आरा में SB कॉलेज का है। वहां पर सीटें कितनी है भाई, तो केवल बॉयज के लिए सीनियर डिवीजन बॉयज के लिए 36, मतलब 36 लड़कों का सिलेक्शन होगा, 36 स्टूडेंट्स कैडेट्स बनेंगे समादेशी पदाधिकारी के आदेश अनुसार, CEO साहब के द्वारा ये प्रमाणित किया गया। तो ये इस जगह का, इसलिए मैंने नोटिस अवेलेबल कर दी, कम से कम जो लोग आप जहां से भी हो आप अपने बटालियन से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। मुझे मेरे पास जितनी नोटिस आएगी और आप लोग का अगर डेट निकला होगा तो आप अपनी नोटिस मुझे इंस्टा पर सेंड कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर दूं उस जगह के जो भी है, अगर YouTube पे सर्च कर तो उनको जानकारी मिले, ठीक है। तो अभी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए, जिनका फर्स्ट टाइम जो चैनल पर विजिट करे, ठीक है, क्योंकि आपको सारी अच्छी जानकारी बेस्ट जानकारी तेजस चैनल पर दी जाती है। तो अभी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।